हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। और मैं हूं आपका होस्ट स्मार्ट बॉय। आज होली है, मेरी तरफ से आप सबको होली की लाख लाख बधाइयां। होली नाम कैसे पड़ा, होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है और होली के इंसिडेंट से और इवेंट से हम सबको क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। होली वर्ड लिया गया है होलिका से। होलिका कौन थी? होलिका एक राक्षस की बहन थी। अच्छा जी, होता यह है कि एक हिरण्यकश्यप जो बहुत ज्यादा अल्लाह की, ईश्वर की इबादत करता है, तो वो वरदान में, गिफ्ट में, ब्लेसिंग में एक वरदान पाता है कि उसको कोई नहीं मार सकता, ना अंदर घर के, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, उसको कोई नहीं मार सकता। जब उसके पास ये पावर आ गई तो वो तकबर का गुलाम हो गया, ईगोस्टिक हो गया, एटीट्यूड में भर गया। तो उसने दुनिया के अंदर अपनी हुक्मरानी चाही और सबको मजबूर किया कि वो उसकी इबादत करे। पर अल्लाह का कर्म देखे, ईश्वर का कर्म देखे कि उसी के घर में ही उसी का बेटा पैदा हुआ जो बचपन से ही ईश्वर का, विष्णु का सच्चा भगत निकला, सच्चा इबादत करने वाला निकला। वो हर वक्त ईश्वर को याद करता और ईश्वर की ही पूजा करता। हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की उसे अपनी इबादत करने के लिए, पर वो बात ही नहीं मानता था। तो फिर हिरण्यकश्यप ने ये किया, मजबूर होकर उसको पहाड़ से नीचे फेंका, फिर भी वो बच गया। उसको कुएं में डाला तो फिर भी वो बच गया। उसको सांप के, जहरीले सांप के बीच में छोड़ दिया, फिर भी वो बच गया। अंतम आखिरकार उसने क्या किया कि अपनी बहन होलिका के साथ एक चाल मनाई और उसको कहा कि इसको आग के अंदर लेके जाओ चादर पहन के, और चादर तुम ओढ़ लेना, और ये जो मेरा बेटा है जिसका नाम है परमालंद, यानी कि परालंद उसका नाम था, वो जल के भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और मेरी जान से छूट जाएगी। पर ईश्वर की कुदरत देखे, उसकी लाठी में देर है, अंधेर नहीं। होता यह है कि जो होलिका की जो मैजिकल चादर होती है वो प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और होलिका उस आग में जलकर भस्म हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ईश्वर खुद राक्षस या शैतान का वध करने इस जगत में आते हैं। तो विष्णु भगवान ने नरसिंह जी का अवतार लिया। नरसिंह जी का अवतार क्या है कि आधा मानव, आधा इंसान और आधा शेर, और उस राक्षस को और उसके पूरे बादशाहत को खत्म किया और फिर से इस जगत में धर्म की या प्रिंसिपल्स की स्थापना की। अच्छा जी, अब ये हम लोग गुलाल या कलर्स क्यों यूज करते हैं? तो कृष्ण भगवान जी से रिवायत है, वो अपने दोस्तों के साथ इस इवेंट को दूसरे दिन एंजॉय करते थे। अच्छा जी, मजे की बात यह है कि हिरण्यकश्यप को दिन और रात के बीच में जो इवनिंग का टाइम होता है उस टाइम पे विष्णु भगवान ने नरसिंह जी के अवतार में उसका वध किया था, उसको मारा था। अच्छा जी, अब ये होली का त्यौहार हम लोगों को क्या सिखाता है? सबसे पहले कि सच बोलना, सच को मानना और सच की इबादत करना। सच क्या है? अल्लाह ताला, ईश्वर, उसको ही मानना, उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना। प्रहलाद बहुत सच्चा भगत था, इस वजह से अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने उसकी हर एक प्रॉब्लम में मदद की और उसकी जान बख्शी। दूसरा यह है कि बिलीव। देखिए, एक अंधविश्वास होता है, फॉल्स बिलीव होता है, एक ट्रू बिलीव होता है। ट्रू बिलीव ये होता है कि अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ताला मेरी जान और माल का मालिक है। तो उसको एक प्रहलाद जो भगत था, उसको एक विश्वास था, पक्का बिलीव था। तो ऐसे ही हमें अपना बिलीव होना चाहिए अल्लाह ताला पर, ईश्वर के, वो हमारे तन मन जान माल का हाफिज है। तीसरा, मोहब्बत। प्रहलाद की सच्ची मोहब्बत थी अल्लाह ताला से, तो वो पूरी इंसानियत से मोहब्बत करता था। तो उसकी ही जरिए अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने
उस राक्षस का, उस शैतान का अंत किया। तो सच्ची मोहब्बत का भी हमें दर्श मिलता है। चौथा यह है कि तकबुर। तकबुर कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप इंसान है हमारे हाथ में, जब भी कलम की ताकत आए या कोई भी किसी भी पावरफुल ताकत के हम लोग मालिक बने, तो हमें तकबुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकबुर विनाश की निशानी होती है। तो हमें क्या है, निम्रपन से पेश आना चाहिए। पांचवा यह है कि प्रे। होली वाले दिन हमें प्रे ये करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए ईश्वर से, और सबके लिए और खुद के लिए पीसफुलनेस, शांति और हैप्पीनेस की दुआ करनी चाहिए। आई होप मेरा ये मैसेज, मेरा ये शॉर्ट क्लिप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजम कीजिए। ओम नमस्ते।